हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक नया शेयर पे चर्चा करने वाला हूँ, जिसका नाम है धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, शेयर पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड का बिजनेस क्या है तो आपको दिख रहा होगा, ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर, कमोडिटी, शेयर एंड पावर जनरेशन। तो इस तरीके का इसका बिजनेस है। आगे इसका मार्केट कैप 195 करोड़, जो कि काफ़ी छोटा मार्केट कैप है अभी इस शेयर का। करेंट प्राइस 309 रुपया, बुक वैल्यू 675 रुपया। तो बुक वैल्यू से अभी भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है ये शेयर। स्टॉक पी 1.32, ROC 43.0% का है और ROE 42.1% का है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। 52 वीक का हाई लो 319 रुपया और 74 रुपया। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है। तो इतना डाटा देखने से तो मुझे लग रहा है कि ये शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। अब देखते हैं प्राइस चार्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक समय था कि ये अपने 85.94 रुपया पर ट्रेड कर रही थी 17 जुलाई 2023 को। वही अब ये 300 के ऊपर में ट्रेड कर रही है। तो काफ़ी अच्छा इसमें प्राइस में प्रोग्रेस देखने को मिला है। तो मेरे आइडिया के अनुसार इस शेयर में अभी भी पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है कि ये ऊपर जा सकती है और कुछ ही समय में ये 350 को पार कर जाएगी। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है कि कुछ डाउन भी आए, लेकिन डाउन होगा कुछ समय के लिए, फिर से ऊपर की ओर शेयर प्राइस पक्का जाएगी। इस शेयर में प्रोज और कॉन्स, प्रो 4 और कॉन्स 2, यानी कि गुण 4 है और दोष 2 है। तो दोष को देख लेते हैं। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ ₹186 करोड़। तो अदर इनकम जो ऐड किया गया है वो है 186 करोड़ का। दूसरा है वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 451 दिन से 1440 दिन, यानी कि 1440 दिन हो गया है। तो इस तरीके का दो है जो कि दोष है, कॉन्स है और प्रोज, जहाँ की आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.46 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है, वही यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब बताया गया है। दूसरा है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने की उम्मीद जताया जाता है कंपनी के द्वारा। मेरे समझदारी के अनुसार ये है। और तीसरा है कंपनी हैज़ डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 92.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। इसमें चौथा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट RS 343 करोड़ इज मोर देन द मार्केट कैप RS 195 करोड़। इस तरीके का चार गुण है इसमें, जहाँ की पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं इस शेयर से संबंधित, यानी कि मिलता जुलता अडानी इंटरप्राइजेज, एजीज लॉजिस्टिक, इस तरीके का 7 कंपनी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सभी में PE जो है सबसे डाउन में इसी शेयर का है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि इस शेयर में पोटेंशियल है या नहीं, ये शेयर का प्राइस कितनी ऊपर में जा सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 2024 का काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 20 करोड़ का हो चुका है, जबकि दिसंबर 2023 में 8 करोड़ का था। एक्सपेंस दिसंबर 2023 में 9 करोड़ का हुआ था, वहीं पे मार्च 2024 में भी 22 करोड़ का एक्सपेंस देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है माइनस में है 2 करोड़ का मार्च 2024 में, बट अदर इनकम जो है 42 करोड़ का, जिसके वजह से ये क्वार्टर का रिजल्ट प्रॉफिट में आ गया, और नेट प्रॉफिट 34 करोड़ का, ईपीएस 54.24। 1 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो मार्च 2024 में 33 करोड़ का सेल्स किया और एक्सपेंस 38 करोड़ का, अपने सेल से ऊपर एक्सपेंस की है ये कंपनी पिछले कुछ सालों से। लगभग जहाँ भी देखने को मिल रहा है मार्च 2018 से लेकर के अभी तक, तो सेल से ज़्यादा एक्सपेंस की है, लेकिन इसका रिजल्ट पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसमें अदर इनकम हर साल हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन मार्च 2024 में काफ़ी अच्छा अदर इनकम है जो कि 186 करोड़ का है। देख सकते हैं अदर इनकम जो कि नॉर्मल में है 186 करोड़ का, तो ये अच्छी बात है इस शेयर के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धिविवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस जो है काफ़ी अच्छा आया है, जो कि 234.35, बहुत ही अच्छा है ऐसे स्टॉक के लिए ईपीएस। अब एक नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर के पास में मार्च 2024 के अनुसार 69.07% है, जो कि ये चेंजिंग हुआ था दिसंबर 2021 के बाद में, मार्च 2022 में, और मार्च 2022 से लेकर के अभी तक एक फिक्स प्रमोटर होल्डिंग है जो कि 69.07% है, और डीआईएच के पास में नाम मात्र का है जो कि 0.02%, जो कि जून 2021 से लेकर के अभी तक चला आ रहा है। गवर्नमेंट के पास में भी नाम मात्र का है 0.02%, और पब्लिक के पास में 30.90% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं तो जून 2021 में जहां पर 2683 इन्वेस्टर थे इस शेयर में, वही अभी मार्च 2024 में 2863। उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार काफ़ी अच्छा वृद्धि हुई है। इस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान बहुत ही अच्छा है देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर में भी उम्मीद लगाया जा सकता है कि इसमें इन्वेस्टरों का रुझान काफ़ी अच्छा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो भी कंपनी, स्टॉक मार्केट का कोई भी कंपनी, अगर वो प्रॉफिट और सेल्स में अगर वृद्धि करते जाती है तो उस शेयर में इन्वेस्टरों का रुझान काफ़ी अच्छा देखने को मिलती है। बाकी इसमें लास्ट अपडेट न्यूज कंप्लायंस रिगार्डिंग 24 ईयर एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस, जो कि 28 मई 2024 का है। सेक्रेटरियल कंप्लायंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 इज अटैच्ड हेयर विथ, तो इस तरीके का न्यूज है जो कि काफ़ी अच्छा न्यूज है इस शेयर के लिए। बाकी इन्वेस्टरों से मेरा आग्रह है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी शेयर में, तो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही, यानी कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। किसी भी वीडियो मेकर का या यूट्यूबर का वीडियो देख करके
किसी भी शेयर में ऐसी ही आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस आपको होने वाली है इन्वेस्टमेंट करने के उपरांत। इसलिए ध्यान दें इस बातों पर। और अब ये वीडियो यहीं पे विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।